नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चीन और भारत का विवाद जारी है और गलवान घाटी को लेकर भारत में काफी गुस्सा है। जनता से लेकर पूरा देश सरकार के साथ है और चीन को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्राचीन ग्रंथ रामायण भेजकर उन्हें रावण की विस्तारवादी सोच से हुए नुकसान से सबक लेने को कहा। महाराज ने कहा कि गलवान घाटी में जिस प्रकार से चीन के सैनिकों ने अपनी विस्तारवादी सोच के चलते निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला किया, वो बहुत ही निंदनीय है। सतपाल महाराज ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्राचीन ग्रंथ रामायण भेजकर संदेश देना चाहते हैं कि दशानन रावण की विस्तारवादी सोच के परिणाम स्वरूप ही उसका कैसा हश्र हुआ था। सतपाल महाराज ने आगे कहा कि हम चीन के राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि विस्तारवादी शख्स अथवा देश कभी पनपते नहीं। कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि वो आशा करते हैं कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग रामायण से शिक्षा लेकर रावण की विस्तारवादी सोच से हुए उसके पतन से कुछ सबक सीखेंगे। रामायण में बताया गया है कि जो व्यक्ति विस्तारवाद की बात करता है उसका अंत कैसे होता है। उन्होंने कहा कि मेरा चीन को यह भी संदेश है कि वो चीन की जनता का जो भारी भरकम पैसा अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने पर खर्च कर रहा है उसे उस बीमारी की रोकथाम पर खर्च करें जिससे आज पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत की कभी भी विस्तारवादी सोच नहीं रही। भारत ने बांग्लादेश को जीतने के बावजूद उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया, जबकि चीन का रवैया प्रारंभ से ही विस्तारवादी रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चीनी राष्ट्रपति को क्यों रामायण भेजा।